लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे ना, और हमने देखा था अगर हम एक पॉइंट चार्ज रखते हैं, एक चार्ज रखते हैं तो उसके वजह से उसके चारों ओर जो फील्ड क्रिएट होता है या उसके वजह से जो इंपैक्ट क्रिएट होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और हमने क्या देखा था, अगर एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है और मुझे इस पॉइंट पे अगर मान लो पी पॉइंट पे मैं एक टेस्ट चार्ज रखता था क्यू नॉट, और इसके वजह से यहाँ पे अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता था तो E इक्वल टू क्या होता था, F अपॉन क्यू विच इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन सॉरी के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये होता था अगर इनके बीच में डिस्टेंस हमारा आर होता था, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ये क्या होता, रिपेल होता, और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इस तरफ अट्रैक्ट होता, ये हमने लास्ट क्लास पढ़ लिया। चलो अब आज की क्लास में हम बात करेंगे थोड़ी इससे थोड़ा ऊपर लेवल का पढ़ाई करेंगे। ऊपर लेवल का मतलब ये जो चीजें हमने बात की थी या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो बात की थी ये एप्लीकेबल है सिर्फ पॉइंट चार्ज के, पॉइंट चार्ज मतलब जो अगर छोटा सा चार्ज हो। लेकिन अगर मान लो मैं एक वायर ले लू, अब वायर पे चार्ज डाल दू तो क्या ये फॉर्मूला उसके लिए वैलिड है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस उसके लिए वैलिड होगा, तो आंसर है नहीं, उसके लिए वैलिड नहीं होगा। तो कैसे करें, तो कैसे निकाले उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, उन सब चीजों के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। ये जो पार्ट है ना, ये जो पढ़ाई है ये थोड़ा और दो क्लासेस लगेगा। आज के क्लास में हम बात करेंगे कंटीन्यूअस चार्ज डेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर और फाइनाइट वायर, इनके बारे में हम बात करेंगे आज के क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग एट इट्स एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए आर्क, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक है लेकिन थोड़ा आसान है और थोड़ा कैलकुलेटिव भी है, तो जो मैथ्स के बच्चे हैं उनको तो समझ में आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन वगैरह यूज होगा, लेकिन जो मैथ्स नहीं लिए हुए हैं उनके लिए तो क्या करें, इसको याद रख लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में पूछा जाता है इसके लिए क्वेश्चन। ठीक है, चलो पहला चीज हम इसमें देखेंगे कंटीन्यूअस चार्ज डेंसिटी, ये क्या होता है कंटीन्यूअस चार्ज डेंसिटी, इसको जरा समझते हैं। अब मान लो आपके पास कोई एक वायर है, ठीक है, जिसका विड्थ बहुत पतला है, अब उसको मैंने चार्ज कर दिया, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज हो, अब मैं जानना चाहता हूं इस वायर की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकले। अब मैंने क्या बोला, इधर हम E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो नहीं डाल सकते, क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि यहां पे चार्ज हमारा आराम से हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, हम ये मान के चल रहे हैं इस वायर में जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कैसे करें, तो इसको करने का सबसे आसान तरीका, अब मैं मान लो इस वायर का एक छोटा सा पार्ट ले लो, छोटा सा हिस्सा ले लो, आप कहीं से भी लेना चाहो ले लो, मान लो मैं इधर से एक छोटा सा पार्ट ले लो और जो छोटा सा पार्ट है उसको विड्थ में मान लेता हूं dx। अब मान लो इसका जो टोटल लेंथ है वायर का वो है मान लो l, ठीक है, एक छोटा सा मैंने पार्ट लिया dx और dx में कितने चार्जेस होंगे, लेट मान लो dq चार्जेस होंगे, मतलब मान लो इस टोटल वायर में कैपिटल q चार्ज है, ठीक है, या फिर बोल लो स्मॉल q चार्ज है इस टोटल वायर में, तो इस छोटे से पार्ट में कितने चार्ज होंगे, dq चार्ज होंगे, है ना, छोटा सा पार्ट लिया हुआ है तो छोटा सा चार्ज होगा। अब इस छोटे से पार्ट के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मान लो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया x, ठीक है, मान लो ये, अब देखो ये जो छोटा सा पार्ट मैंने लिया इसके सामने मतलब टोटल वायर के सामने ये एक पॉइंट की तरह काम करेगा, काम करेगा। अब यहां पे मैं वो वाला जो फॉर्मूला जो लास्ट क्लास हमने निकाला था वो लगा सकता हूं, क्योंकि वो जो फॉर्मूला था वो
काम कर रहा था, वो एक पॉइंट चार्ज के लिए काम कर रहा था हाँ। लेकिन अब मैं पूरा वायर के बदले अगर मैं एक छोटा सा पार्ट ले लूं तो वो भी एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dx, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dx कितना हो जाएगा, E will be equal to k into q square, sorry k into कितना चार्ज है dq, k into dq upon डिस्टेंस कितना है x, x का स्क्वायर मान लो ये। अब आप बोलोगे अब यहां से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला ये किसके वजह से निकला, ड्यू टू dx। अब आइडियल छोटा सा पार्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा छोटा सा ही होगा, मतलब अगर छोटा सा पार्ट है dx हमारा छोटा सा पार्ट है उसमें अगर dq छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा छोटा ही होगा ड्यू टू दिस छोटा वाला पार्ट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, dE, dE इज इक्वल टू k into dq upon x square, ये होगा। अब मान लो आप निकालना चाहते हो कहां से कहां तक, आप मान लो मैं यहां पे लिया, आप बोलोगे सर मैं यहां पे लेता हूं, कोई बात नहीं यहां से यहां तक का डिस्टेंस x ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये तो हमारा निकल गया किसके लिए, एक छोटे से पार्ट dx के लिए निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं इस टोटल वायर के लिए निकालना चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टोटल वायर तो क्या हो जाएगा, अगर ये छोटे से पार्ट के लिए इतना है तो टोटल वायर के लिए कितना होगा, हर छोटे छोटे पार्ट को मैं अगर ऐड कर दू, हर छोटे छोटे पार्ट को अगर मैं ऐड कर, मान लो यहां पे dx है, ये और एक dx हो गया, ये और एक dx हो गया, ये और एक dx हो गया, हर dx को अगर मैं यहां से यहां तक जितने भी dx होंगे उसको अगर मैं ऐड कर दू तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फुल वायर मिल जाए, कंप्लीट वायर मिल जाए। अब हम इतने छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसको तो ऐड नहीं कर सकते, तो ऐड करने का हमारे पास और एक क्या तरीका होता है, इंटीग्रेशन। हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं टू सम अप सर्टेन थिंग्स, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dE इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू dq अपॉन x स्क्वायर, ये होगा। अब इंटीग्रेशन हम कहां से कहां तक करेंगे इसको एक लिमिट भी दिया जाता है, क्योंकि मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मुझे इस लेंथ की वजह से निकालना है। तो मान लो ये वाला पॉइंट को मैं जीरो मान लेता हूं, मतलब यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेजर करना, तो जीरो से स्टार्ट हुआ और यहां पे क्या खत्म होगा, एल पे खत्म होगा, कभी जाके इसका लेंथ एल होगा ना। अगर आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो स्टार्ट जीरो से करते हो फिर मान लो 10 पे पहुंचे तो तभी जाके उस वायर का लेंथ 10 सेंटीमीटर हुआ। तो यहां पर मैंने जीरो से स्टार्ट किया और कहां पर पहुंचा, एल पे पहुंचा रेडी पे, तो मुझे लेंथ टोटल कितना मिलेगा, एल मिलेगा। तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, जीरो से लेके एल तक, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर अब देखो छोटे से पार्ट के लिए मुझे डी मिल रहा था तो होल वायर के लिए मुझे कितना मिलेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई नेट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कि यहां पे कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में ये याद रखना जो कांस्टेंट वाले टर्म्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। अब के यहां पे कांस्टेंट है और dq हमारा यहां पे कांस्टेंट है, क्यों dq कांस्टेंट है, हर अब देखो मैंने क्या बोला, इस वायर पे हर पार्ट पे चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर एक छोटे से पार्ट के लिए, अगर एक छोटे से पार्ट के लिए मुझे dq मिल रहा है तो हर छोटे पार्ट के लिए मुझे dq ही मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो इसको अगर हम बाहर ले आए k into dq, या फिर इसको ऐसे ही रखो k अगर बाहर ले आए इसको इंटीग्रेट करें जीरो से लेके l dq अपॉन x स्क्वायर ज्यादा। अब बोलोगे सर x को बाहर क्यों मिले, क्योंकि x भी तो बदल रहा होगा, जैसे जैसे आप डिस्टेंस दूरी बनाओगे वैसे वैसे x भी चेंज होगा, होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, k into dq upon x square 0 to l। अब लग बेसिकली मैं ये चीज आपको क्यों करवा रहा हूं, आपको ये समझाने के लिए कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कैसे, ठीक है। अगर एक वायर गिवन, अब यहां पर मैंने वायर दिया, मान लो मैं आपको बोल दूं एक पेपर गिवन है, एक पेपर पर मैंने चार्जेस डाल दिए,
तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उस पेपर की वजह से। अब मान लो या फिर मैं आपको एक स्पीयर दे दूं या फिर एक 3D ऑब्जेक्ट दे दूं, उस पर मैंने चार्ज डाल दिया तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालो। तो उस कैसे निकालेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, वही एक छोटे से पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर टोटल के लिए निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, पक्की बात। ये था आपका कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कैसे। अब इसकी जरूरत क्या है, अब इसका हमें बोर्ड के लेवल पे भी उतना ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एंट्रेंस के लेवल पे ये चीजें पूछी जाती है, ठीक है, कैसे निकालोगे। लेकिन बोर्ड में जो हम सर्टन डेरिवेशंस करेंगे उसके लिए इसका नॉलेज होना, कंटिन्यूअस चार्ज डेंसिटी का नॉलेज होना हमारे लिए जरूरी है। और जनरली क्या, जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तीन तरीके के होते हैं, क्या क्या, एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वो सब क्या है हम अभी बात करेंगे, पहले इसको लिख लो, मैं वो सारा भी लिख लूंगा डेफिनेशन, फिर उसको समझा देंगे। मैंने क्या बोला, जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी होता है वो तीन तरीके के होते हैं। पहला चीज क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है इसको समझना। मान लो आपके पास कोई एक वायर है, ऐसा सीधा वायर, ठीक है, और उसपे मान लो पॉजिटिवली चार्ज, उस वायर को मैंने पॉजिटिवली चार्ज बना दिया, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, ठीक है। एक यूनिट लेंथ पे, मान लो एक यूनिट लेंथ मतलब एक छोटे से पार्ट, मान लो ये छोटा सा पार्ट है, इसका लेंथ अगर एल है, इसका लेंथ अगर एल है तो ये छोटा सा पार्ट उस वायर का कितना हो जाएगा, डीएल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब मान लो इस टोटल वायर पे चार्ज है क्यू, तो इस छोटे से एलिमेंट पे चार्जेस कितना हो जाएंगे, डी क्यू हो जाएगा ना। अब अगर ये वायर है जिसका लेंथ एल है, अगर मैं एक छोटा सा पार्ट लू डीएल और उसमें कितने चार्ज है, डी क्यू, अगर मैं डी क्यू अपॉन डीएल कर दू, मतलब छोटा सा चार्ज डिवाइडेड बाय छोटा सा लेंथ, That will give you the linear charge density. मतलब एक वायर के छोटे से पार्ट में कितने चार्ज रखे हुए, एक यूनिट लेंथ में कितने चार्ज हैं, उसको हम बोलते हैं linear charge density. तो क्या हो गया, और उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से, ठीक है। ये लैम्डा है, मेरा सिंबल थोड़ा यूनिक है तो समझ लेना, मैं ऐसे कभी भी लिखूं, ये लैम्डा है, ये सिग्मा बताऊंगा जा रहा हूं, लैम्डा है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डीएल। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हम कहां पे यूज करेंगे, जब हमारे पास कोई एक वायर हो, मतलब वो वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो, मतलब जिसका जो डायमीटर हो, अब वायर है तो जाहिर सी बात है उसमें डायमीटर तो होगा ही होगा, लेकिन उसका जो लेंथ होगा, वायर का लेंथ होगा वो उसके डायमीटर से बहुत बड़ा होगा, इसीलिए हम उसके डायमीटर को इग्नोर कर सकते हैं। मतलब मान लो 10 किलोमीटर का लंबा वायर और उसका डायमीटर जो है वो है मान लो 0.5 mm, तो लेंथ के सामने जो डायमीटर है वो बहुत छोटा हो गया, इसीलिए हम लेंथ के सामने डायमीटर को इग्नोर कर सकते हैं और हम उसको कंसिडर कर सकते हैं एक स्ट्रेट वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, मान लो जैसे कि ये पेपर, ठीक है, ये पेपर है, अब इस पेपर पे मैंने चार्ज दे दी, अब इस पेपर का एक सर्टन एरिया हो, और एरिया हम कैसे पेपर का है और ये रेक्टेंगुलर है तो मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ हो, अब इस सर्टन एरिया, अब मैंने पेपर लिया हुआ, आप सर्कुलर ले लो, आप ट्रायंगुलर ले लो, आपका मर्जी, लेकिन क्या होना चाहिए, वो एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब जिसका लेंथ और ब्रेथ हो। तो अगर वैसा चीज हो जाए तो उसका एक सर्टन एरिया हो, मान लो ये आपका टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, अब इसका एक सर्टन एरिया हो या टू डायमेंशन सर्टन एरिया अगर होगा, इसमें मैं अगर एक छोटा सा पार्ट ले लू, अगर मान लो मैं इस टोटल पेपर का हुआ एरिया ए है, तो इस छोटे से पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, डी। अब मान लो इस टोटल पेपर में चार्जेस है क्यू, तो इसमें चार्ज कितना हो जाएंगे छोटे से पार्ट में, डी क्यू। तो dq अपॉन dA अगर आप कर दोगे, dq अपॉन dA कर दोगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी।
एक यूनिट सरफेस एरिया पे कितने चार्जेस मौजूद है उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, डी क्यू अपॉन डी एस। अब यहाँ पर डी एस क्या है, क्यों है, मैंने एरिया को एस लिया हुआ, सरफेस एरिया जो, इसलिए एस लिखा हुआ। कभी कभी ए भी ले सकते हो, एस भी ले सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं, लेकिन प्रॉपर आपको डिफाइन करना होगा एस क्या है और ए क्या है। एस है सरफेस एरिया, समझ रहे हो। अब आते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब मान लो जैसे कि ये आपका, ये हमारा एसी का रिमोट कंट्रोल हो गया। अब ये इसका एक सर्टन वॉल्यूम है, अब इस पे अगर मैं चार्जेस दे दूं तो वॉल्यूम इस रिमोट के हर तरफ वो चार्ज फैल जाए, मतलब इसमें तीन तीन डायमेंशन में फैलेंगे, एक तो लेंथ में फैलेगा, ब्रेथ में फैलेगा और हाइट में भी फैलेगा, तो उसके वजह से चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, वही जैसे इसके लिए एरिया कर रहे थे, मान लो वो जिसका 3D ऑब्जेक्ट आप लियो, मान लो क्यूब ले लिया, क्यूब लियो, स्पीयर ले लो, कुछ भी ले लो, इसका वॉल्यूम अगर V है तो एक छोटे से पार्ट के लिए कितना वॉल्यूम हो जाएगा, dV होगा ना। और छोटे से पार्ट में अगर मान लो टोटल में Q चार्ज है, छोटे से पार्ट में कितने चार्जेस होंगे, dQ, तो dQ अपॉन dV कर दो, dQ अपॉन dV कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा, सिग्मा सॉरी रो, सिग्मा बोल रहा हूं, रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। रो इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एट दैट पॉइंट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, चार्ज का कूलम्ब और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। ये चीजें समझ में आई पक्का, चलो इसी को यूज करते हुए हम आगे जो डेरिवेशन हम करेंगे इसी को यूज किया जाएगा उसमें, ठीक है, समझ में आया पक्का, मिटाओ। चलो जो पहला डेरिवेशन आप क्लास 12 में सीखोगे वो है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट हमें पता नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है, और इनफाइनाइट सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव होता है मतलब आपके लिए इनफाइनाइटी इंफिनिटी कुछ अलग होगा, आपके लिए कुछ अलग होगा, मेरे लिए कुछ अलग होगा, है ना। अब मान लो मैं ये पेन के सामने एक चींटी को रख दूं, चींटी के लिए ये पेन तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, लेकिन मेरे लिए तो फाइनाइट है। अब मान लो मैं एक वायर ले लूं जो यहां से स्टार्ट करके मान लो छेद तक लंबा हो रहा है, अब आपके लिए वो हो सकता है इनफाइनाइट हो, लेकिन जो बीच में खड़ा होगा मान लो छह नंबर पे कोई खड़ा होगा उसके लिए तो वो इनफाइनाइट है ना, इधर से देख रहा होगा, इधर से देख रहा होगा, ये खत्म नहीं हो रहा है ना, तो इनफाइनाइट एक सब्जेक्टिव चीज है, तो और वो पर्सन टू पर्सन क्या करता है, वैरी करता है। तो मान लो अब इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं, मान लो ये आपका एक वायर है, इसका एंड पॉइंट हमें पता नहीं और इसका स्टार्टिंग पॉइंट मुझे पता है, ठीक है, लेकिन उसका बीच वाला पॉइंट मुझे मिल सकता है। बीच वाला मतलब मैं कोई भी सर्टन पार्ट ले लूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां से मैंने वायर लंबा किया और मान लो छेद लग गया, आप खड़े हो मान लो सेक्टर 2 में या फिर 6 नंबर पे खड़े हो, तो 6 नंबर पे खड़े होके आप वायर के दो पॉइंट्स को दो अलग अलग रास्तों में देख सकते हो, देख सकते हो या नहीं देख सकते हो। अब उस पॉइंट से आप इधर 1 किलोमीटर जा सकते हो और उस वायर से इधर भी 1 किलोमीटर जा सकते हो, मतलब एक पॉइंट से आप दो इक्वल पार्ट में जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप उस वायर को दो इक्वल पार्ट में ही तोड़ो, मैं वो नहीं, वो नहीं सकता, लेकिन अगर आप कोई भी एक रैंडम पॉइंट पकड़ लो उस पॉइंट से जितना डायरेक्शन आप लेफ्ट साइड में जा सकते हो उतना ही डायरेक्शन आप राइट साइड में भी जा सकते हो ना, अगर एक इन्फाइनाइट वायर है, तो मान लो ये आपका एक इन्फाइनाइट वायर है और मैंने यहां पे एक पॉइंट पकड़ लिया जो कि है वो, ठीक है, और मुझे इस वायर के वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन क्या मतलब क्या चीज हम करने वाले हैं समझ में आ रहा है। मान लो ये एक इन्फाइनाइट वायर है, इन्फाइनाइट वायर की वजह से मैं इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, मान लो ये सर्टन चार्ज है, ये कुछ चार्जेस हैं इसमें और उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो ये वायर, तो मैं क्या करता हूं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता हूं। अब मान लो मैं इसमें कोई एक रैंडम सा पॉइंट ले लेता हूं, मान लो ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला रैंडम सा पॉइंट है और जिसका विड्थ मान लो dy है,
जिसका वेट मान लो डी वाई है, मतलब जो ओ से आप मेजर करके मान लो ए तक आ रहे हो, ओ से ए तक का जो लेंथ है वो मान लो आपने कितना लिया, वाई लिया। वैसे ही एक पॉइंट ऐसा भी इस तरफ मिलेगा, ओ से इस तरफ भी मिलेगा जो वाई लेंथ का होगा, मान लो ये बी पॉइंट, यहां से ये भी वाई, जो मैंने अभी बोला। आप उस अगर कोई भी पॉइंट पकड़ो, आप उस पॉइंट से लेफ्ट साइड जितना जा सकते हो राइट साइड भी उतना जा सकते हो, इक्वल। वैसे ही मैंने एक कोई रैंडम सा पॉइंट पकड़ा और उधर से इधर y सेंटीमीटर या y मीटर जो भी हो आपने मेजर किया, y यूनिट मेजर किया और इस तरफ भी y यूनिट मेजर किया, मैंने सर्टन डिस्टेंस पे एक मैंने अच्छा यहां पे dy ना लेके मान लो यहां पे जहां से वो स्टार्ट हो रहा है वहां से मैं dy ले लेता हूं एक पॉइंट, ठीक है। और अगर ये वाला पॉइंट dy हुआ तो जाहिर सी बात है ये वाला भी dy होगा, होगा या नहीं होगा, क्योंकि इक्वल लेंथ पे हम लिए हुए हैं ना। अब मान लो इस dy पॉइंट पे, पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में गिर रहा होगा, लेफ्ट गिर रहा होगा, क्योंकि एज बिकॉज ये छोटा सा पार्ट है तो इसकी वजह से एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा जो कि है dE। अच्छा ये थोड़ा इधर हो गया, इसको थोड़ा हम और अच्छे से करते हैं। मान लो ये वाला पॉइंट, ये डीई आ गया और इसके वजह से यहां पे गिरा तो इसके वजह से ये भी डीई बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट, इसके वजह से एज बिकॉज ये dy है छोटा सा पार्ट है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रहा है जो कि है dE के बराबर, है ना। और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे P पे गिर रहा है जो कि है dE के बराबर। अब मान लो ये वाला जो पार्ट है ये इसके साथ, ये जो लाइन है ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, अगर ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है तो जाहिर सी बात है ये भी इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है होंगे। तो अगर ये थीटा हुआ, इधर से अगर मैं इसको और लंबा कर दूं, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। मान लो इस ओ से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो मान लो कितना है, डी स्मॉल डी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, हमें क्या पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, है ना। तो इसको, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं दो इक्वल पार्ट, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए dE cos थीटा और इसके लिए dE sin थीटा, होगा या नहीं होगा। और इसको भी अगर तोड़ू तो यहां पे और एक dE cos थीटा आएगा और इसके लिए भी dE cos थीटा आएगा, dE sin थीटा आएगा, आएगा या नहीं आएगा, नहीं है। अब देखो dE sin थीटा इस तरफ भी है और dE sin थीटा इस तरफ भी है, दोनों इक्वल है क्योंकि इक्वल लेंथ लिए हुआ है ना, तो इक्वल ही होगा। और इक्वल अगर होगा तो, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। चलो अब यहां पे हम सर्टन एजम्पशन करेंगे, क्या एजम्पशन करेंगे, लेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, द लीनियर, अब एज बिकॉज हमने यहां पर क्या लिया हुआ, एक वायर लिया हुआ तो इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, तो लेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर इज इक्वल टू लैम्डा, होगा। और हमें क्या पता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी एल, ये होता है या नहीं होता। अब यहां पे हमने लेंथ क्या माना हुआ है, वाई, तो यहां पे डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो डी क्यू विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी वाई, ये बन जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब इसको रहते रहते हैं, ये बाद में काम है, ठीक है। चलो अब यहां पे मुझे इस छोटे से पार्ट के लिए मुझे d कितना मिल रहा था, d कितना मिलेगा, ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएंगे, हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, क्यों कैंसल आउट हो जाएंगे, एज dE sin थीटा आर
इक्वल एंड ऑपोजिट दे कैंसल आउट ईच अदर. तो बचेगा क्या? सिर्फ d ही cos थीटा बचेगा क्या? सिर्फ d ही cos थीटा बचेगा. अच्छा, अगर मैं ये d एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं दो कंपोनेंट में तोड़ रहा हूं, तो ये वाला भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये वाला भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट वेक्टर्स में क्लास 11 क्लियर है. चलो देखो, मान लो अगर आपके पास एक फोर्स है इस डायरेक्शन में, इसको अगर मैं दो कंपोनेंट में तोड़ता हूं, ये एक और ये एक, तो ये क्या होता था? अगर मान लो ये एंगल थीटा होता था, तो ये एफ कॉस थीटा होता था और ये एफ साइन थीटा होता था. होता था या नहीं होता था? ये अगर फोर्स है, इसके जो दोनों कंपोनेंट्स होंगे ये भी तो फोर्स ही होंगे ना. कॉल एक्सल तो अगर ये फोर्स है तो इसको ये दो पार्ट में जो टूटा ये भी तो एक फोर्स ही है और ये भी एक फोर्स ही है ना. वही सेम चीज, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो d साइन थीटा भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और d कॉस थीटा भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो अब हम क्या करेंगे, d साइन थीटा तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, मतलब उसके वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट हो रहा होगा. किसके वजह से क्रिएट हो रहा होगा? d cos theta के वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा, पूरा होगा ना. तो e इक्वल टू कितना आ जाएगा, या d e will be equal to कितना हो जाएगा, d आपको कितना निकला, d cos theta. तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड e will be equal to कितना, इंटीग्रेशन ऑफ d cos theta. ये हमने पढ़ा ना जो स्टार्टिंग में, हमने बस एक छोटे से पार्ट के लिए निकाल रहे थे और पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालने के लिए हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन. स्टार्टिंग में बताया कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे करते थे, वही चीज हम यहां पे भी करते हैं, डी कॉस थीटा को इंटीग्रेशन. अब डीई क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना होगा, डीई, डीई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी हमने बताया डीई इक्वल टू a into dq upon distance का square, x square हमने लिया हुआ था, मतलब जो distance था वो x था. अब याद रखो, यहां से यहां तक का distance हमें चाहिए, क्योंकि अगर दो पेज पहले जाओ वहां पर जो x हुआ करता था वो क्या होता था, जिस dx पार्ट लिए, जो dx वाला पार्ट लिए थे वहां से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे वो डिस्टेंस हुआ करता ना. तो किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और किस पार्ट का निकाल रहे हैं, dy का निकाल रहे हैं. तो dy से p तक का डिस्टेंस हमें निकालना होगा. कैसे निकाल सकते हैं, ये अगर d हुआ, ये अगर y हुआ, तो ये वाला कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, या फिर हम ट्रिगोनोमेट्री का भी यूज कर सकते हैं. दो तरीका है ना, पाइथागोरस थ्योरम एक तो, और दूसरा ट्रिगोनोमेट्री का यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं. हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज ना करके हम यहां पे ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे. ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का यूज अगर करते हैं इस ट्राइंगल में, इसको थोड़ा नामकरण करते हैं एओपी, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एओपी अगर हम कॉस थीटा पुट करते हैं तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू कितना, इस ट्रायंगल में अगर मैं कॉस थीटा पुट करता हूं तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है डी और हाइपोटेनस कितना है एपी, तो कॉस थीटा इक्वल टू डी अपॉन एपी होगा. और डी तो एपी विल बी, हमें चाहिए क्या, एपी चाहिए, चाहिए ना, तो एपी विल बी इक्वल टू कितना, डी बाय कॉस थीटा होगा. इस सब पहले देख लो, समझ लो, लिखने के लिए टाइम दूंगा, समझ लो कैसे हो रहा है. ठीक है, b अपॉन cos थीटा होगा और वन बाय cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बट sec थीटा, तो विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d sec थीटा होगा या नहीं होगा, ep का वैल्यू कितना आ गया, d sec थीटा. अब मैंने यहां पे क्या बोला था, d e इक्वल टू कितना होता है, k इंटू dq अपॉन जो डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, d sec थीटा
उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा होगा या नहीं होगा। अब इस डीई का वैल्यू, इस डीई का वैल्यू मैं इधर पुट कर सकता हूं, कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं। सो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी क्यू अपॉन डी स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। अब डी क्यू इक्वल टू क्या है, हमने यहां से क्या निकाला हुआ है, लैम्ब्रा इंटू डी वाई निकाला हुआ है, डी क्यू की जगह पर हम उसको पुट कर सकते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू लैम्ब्रा इंटू डी वाई अपॉन डी स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। चलो अब ये कॉस थीटा एक बीच में आ रहा है, इस कॉस थीटा को भी हटाना है और सेक्स स्क्वायर भी आ रहा है, बहुत ट्रिग्नोमेट्री हो रहा है। चलो इसी ट्रायंगल में फिर से इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अगर मैं टैन थीटा पुट करूं, इस ट्रायंगल में अगर मैं टैन थीटा पुट करूं तो टैन थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टैन थीटा अगर पुट करूं तो क्या हो जाएगा, वाई अपॉन डी, ये होगा y अपॉन डी, याद है ना। तो y विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू डी टेन थीटा, ये होगा। अब इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं, बोल सकेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दू, डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट को ऐड करना, डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे चीज एक बड़े चीज को छोटे से पार्ट में तोड़ना, पड़े हुए ना। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम क्लास 11 में भी सीखे हुए हैं डिफ्रेंशिएशन सीखे हुए हो, अलग फिजिक्स में हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। अगर स्टार्टिंग में आप 11 में पढ़े होंगे वहां पर आपको डिफरेंशिएशन का यूज करना सिखाया जाता है, ठीक है। और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा, डी थीटा क्यों हुआ, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो डी वाई अपॉन डी थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वाई डी थीटा ऑफ टी डी टेन थीटा, ये होगा। इसको भी डिफ्रेंशिएट, अच्छा ये समझ नहीं है, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएशन का सिंबल होता है डीवाई बाई डी एक्स। अब एक्स जो होता है वहां पर डीवाई बाई डी एक्स का मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इस फंक्शन को, ये फंक्शन है वाई इक्वल टू डी टेन थीटा, अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे क्या करना हो, डी बाई डी डी थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ वाई, डी बाई डी थीटा ऑफ वाई विल बी इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ डी टेन थीटा, डी बाई डी थीटा बोथ साइड में डिफरेंशिएट किया इसको, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, डी वाई बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन जब करते हैं डी यहां पे हमारा कॉन्स्टेंट है तो डी बाहर आ जाएगा और डी बाई डी थीटा ऑफ टैन थीटा होता है आपका सेक्स स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है और जो 12 में मैथ्स लेने वाले हो आगे हम मैथ्स में करेंगे ये सब चीजें, ठीक है। और जिसका मैथ नहीं है तो इसको बस इस स्टेप को याद करना पड़ेगा और उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, फिर भी मैंने समझाने की पूरी कोशिश की, ठीक है। अब मैं यहां पर अगर डिफरेंशिएशन पढ़ाने जाऊं तो फिजिक्स का लेक्चर कर ये हो जाए, मैथ्स चलने लगे, तो आप नहीं लिए हो मैथ्स तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा क्या होगा, वाई इक्वल टू डी टेन थीटा, इसको हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू डी सेक्स स्क्वायर थीटा। सब ऊपर से जा रहे हैं ना, आया
ठीक है, इसको प्रैक्टिस, अब आपका मैथ्स नहीं है इसलिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे, बार बार लिखना, प्रैक्टिस करना तो हो जाएगा, ठीक है। प्रमुख जो जैसे डीवाई बाई डी थीटा इक्वल टू कितना हो गया, डी सेक्स स्क्वायर थीटा, तो डीवाई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी सेक्स स्क्वायर थीटा, इधर से डी थीटा इस तरफ आ जाएगा तो डी थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा। अब देखो यहां पर हमारे पास एक डीवाई भी चीज है ना, डीवाई एक चीज है, डीवाई की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूं, डी सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा पुट कर सकता हूं, और कॉस थीटा की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूं, अच्छा उसको कुछ पुट करने की जरूरत नहीं, उसको वैसे ही रहने दो, तो डीवाई की जगह पर मैं डी सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा पुट कर दूंगा, तो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू लैम्डा इंटू डी सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, यह आ जाएगा। अब देखो यहां sec square theta gets cancel, एक d और एक यहां से भी d gets cancel, तो बचा क्या क्या, k lambda cos theta d theta है ना, k lambda cos theta और d theta बचा, और नीचे बचा d। अब यहां पर अगर हम देखते हैं k constant है, lambda भी constant है और d भी कांस्टेंट है, d क्या है, इस पर यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आप ऐसा कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज हो सकता है लेकिन ये तो चेंज नहीं होगा ना, ये वाला पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, तो ये सारे कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे डिफ्रेंशिएशन में यहां से जो कांस्टेंट था इसको हम बाहर ले आए, वैसे इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है उसको भी हम बाहर ले आते हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू k lambda upon d integration of cos theta d theta, क्या है इतना बचा, समझ में आया इतना तक पक्का, चलो अब cos theta का इंटीग्रेशन क्या होता है, अच्छा अब यहां पर हमने वहां पर मैंने बताया था लिमिट की भी जरूरत होती है, मतलब लिमिट का मतलब वहां पर जब हम लेंथ के बारे में बात कर रहे थे तो जीरो से लेके कैपिटल लेंथ होगा, उधर देखो कॉपी में देखो जीरो से लेके एल तक लिखे थे, जीरो से लेके एल तक का मतलब क्या होता है, उस टोटल लेंथ का। अब इसका टोटल लेंथ तो हमें पता नहीं है, अब क्या करें, अब देखो इसको जरा समझना, इधर मुझे किसका लिमिट चाहिए, कॉस थीटा मतलब थीटा का लिमिट चाहिए, थीटा कहां से कहां तक जा सकता है, लेंथ का तो पता नहीं इसीलिए मैंने इसको थीटा के फॉर्म में ले आया। अब लेंथ का अगर हमें पता नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं, ये थीटा कहां से कहां तक जा सकता है, देखो अगर मैं ये dy को इस पॉइंट पे लेता तो थीटा कहां पे होता, इस लाइन के ऊपर, जैसे जैसे मैंने dy को ऊपर लिया वैसे वैसे ये एंगल बढ़ता चला गया, और बढ़ते 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 ये एंगल कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम इतना तक जा सकता है, जा सकता है नहीं जा सकता, इस dy को मैं अगर बढ़ाते 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 बहुत ऊपर तक चला जाऊं तो मैक्सिमम ये एंगल थीटा कहां तक जा सकता है, इधर तक जा सकता है या नहीं जा सकता, नहीं समझे, देखो अगर मैं इसको बढ़ा रहा तो एंगल भी बढ़ेगा, इसको बढ़ाते बढ़ाते ये इनफाइनाइट पे है, तो इनफाइनाइट पे अगर है मतलब ये कहां पे है हमें पता नहीं, मतलब ये वायर भी ये जो एंगल है ये भी बढ़ते बढ़ते, अगर मैं मान लू ये वायर ये जो लेंथ है ये इंफिनिट के एंड में टच कर रहा हो तो वो कब होगा, जब अब देखो ये कैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे मैं dy यहां से बढ़ा रहा हूं एंगल भी ऐसे बढ़ता जा रहा है ना, पहले यहां पर अगर यहां पर dy होता ये होता, dy को मैंने ऊपर लाया तो ये भी बढ़ा, इसको और ऊपर लाया तो ये हुआ, इसको यहां तक लिया तो ये हुआ, इसको और बढ़ाता तो ये होता, और बढ़ाया तो ये, बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम कहां तक पहुंचेगा, 90 डिग्री तक पहुंचेगा, उधर कैसे जाए, मैक्सिमम जाते जाते अगर मैं एक ये आपका थीटा है इसको ऐसे देखो, जैसे जैसे मैं ये वाला बढ़ाते जाऊंगा ये भी बढ़ता जाएगा थीटा, मैक्सिमम क्या हो सकता है,
ये और ये पैरेलल हो सकता है, तभी जाके ये हम मान सकते हैं ये इंफिनिटी पे मीट करेगा। पैरेलल से अगर उधर ले लूं तो क्या वो कभी मीट कर सकता है? नहीं ना। तो मैक्सिमम ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, होगा ना। तो मैक्सिमम ये बढ़ते बढ़ते ऊपर वाला जो थीटा है वो बढ़ते बढ़ते कहां तक जा सकता है, पाई बाय 2 तक, मतलब 90 डिग्री तक। और मैंने क्या बोला था, यहां से मैं मेजर करना शुरू किया था जीरो से, मतलब ओ से मेजर करना शुरू किया था ना। तो मान लो ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये वाला नेगेटिव डायरेक्शन है, जीरो अगर बीच में है, एक साइड उसका पॉजिटिव दूसरा साइड उसका नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव बढ़ाते बढ़ाते एंगल प्लस पाई बाय 2 होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा ऑन पॉजिटिव साइड कितना हो जाएगा, प्लस पाई बाय 2। वैसे ही अगर मैं इसको ऐसे घुमाता जा रहा हूं नीचे की तरफ, तो ये घूमते घूमते मैक्सिमम कहां तक है, कहां तक है, माइनस पाई बाय 2 तक। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा ऑन नेगेटिव साइड कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2 ये हो जाएगा। तो इसका लिमिट, थीटा का लिमिट कहां से कहां होगा, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक होगा ना उसका लिमिट। तो माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक प्लस पाई बाय 2 तक उसका लिमिट होगा, ये हमने डाल दिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, क्या नहीं है सर, साइन थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इज डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और लिमिट इस पे लगा हुआ है, तो लिमिट जब लगा रहता है हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख के यहां पे लिमिट डालते हैं, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 ये लिमिट डालते हैं। और ये जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट बाहर रह जाएगा, के लैम्डा अपॉन डी ये हो जाएगा, होगा समझ में आया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, जब लिमिट में होता है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, अपर लिमिट थीटा की जगह पे अपर लिमिट डालना है, माइनस थीटा की जगह पे लोअर लिमिट डालना है, ये क्या हो जाएगा, के लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पे पहले अपर लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट क्या है पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2, फिर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है माइनस पाई बाय 2, मतलब साइन माइनस पाई बाय 2 ये हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं हमें क्या पता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, यदि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, माइनस साइन बाहर आ जाता है। और अगर ये फॉर्मूला हो कॉस माइनस थीटा, ये आपका कॉस थीटा के बराबर होता है। मैथ्स के बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 में पढ़े हुए या छोटे क्लासेस में भी आप पढ़े हुए, नहीं शायद 11 में पहले बार आया, ठीक है, फिजिक्स में मैथ्स की बहुत जरूरत है बेटा, अभी तो ये शुरुआत हो रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है, कोई मुश्किल चीजें नहीं है, बेसिक चीजें हैं। अगर आप मैथ्स नहीं लिए हुए हो तो आप बार बार इसको 4-5 बार लिख लेना तो ये दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस इज द की। अब देखो एक बार पढ़ोगे समझ में लगेगा हाँ समझ गए, लेकिन लॉन्ग रन में जब एग्जाम दे रहे होगे तब ये दिमाग में याद नहीं होगा, तो इसको आप बार बार लिखना है, जितना बार लिखोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। कॉपी पकड़ के नोट पकड़ के पढ़ लेना या वीडियो देख लेना यूट्यूब पे कोई फायदा नहीं हो, अगर यूट्यूब पे भी वीडियो देख रहे हो तो देखते देखते आप लिखो उसको, तभी जाके आपके लिए वो फायदेमंद, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आंसर माइनस बाहर आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन पाई बाय 2 क्या होता है, साइन 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो दैट इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन डी इंटू 2, मतलब 2 के लैम्डा
ये हमारा रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट वायर कितना आ गया 2k λ/d। अब ये जो डेरिवेशन है ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं ये बता रहा हूं, इसका इसी चीज को यहां पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक इनफाइनाइट वायर निकाला ना, यहां पर हमने बहुत सारे कैलकुलेशन करके निकाले, अब इस कैलकुलेशन को आप पेपर में लिखने जाओगे 2 पेज का होगा या 1 पेज का होगा, अब इसको हम आधे पेज में भी खत्म कर सकते हैं, जिसको पढ़ने के लिए हमें और 10 क्लासेस या 7-8 क्लासेस रोकना है, हम इसका फिर से डेरिवेशन निकालेंगे, फिर से इसको डिराइव करेंगे। ये वाला जो डेरिवेशन है इसको बोला जाता है विदाउट यूजिंग गॉस लॉ, विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। अब गॉस लॉ क्या है आगे पढ़ेंगे, ये आपका टॉपिक में है ठीक है, यहां पे हम विदाउट यूजिंग गॉस लॉ निकालें, आगे क्लासेस में हम यूजिंग गॉस लॉ इसी सेम चीज का निकालेंगे और आंसर भी हमें सेम ही आएगा ठीक है। जनरली ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि बिना गॉस लॉ के कैसे निकाले, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है ठीक है, पूछा गया है पहले बोर्ड में पूछा गया है इसलिए मैं करवाया हूं, नहीं तो मैं नहीं करवाया, इंपॉर्टेंट है इसलिए करवाया हूं ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हमें कितना मिल गया 2k λ/d, समझ में आया पक्की बात हाँ लिख लो। अच्छा ये तो हमें मैग्नीट्यूड मिल गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो मिल गया, डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किसका माना ये वाला तो कैंसिल हो गया था ना, हमने इसको इंटीग्रेट करके निकाला था, तो डी का डी कॉस थीटा का जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि हमने इसी को ही तो इंटीग्रेट किया हुआ है, तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ ई, ये क्या है डी कॉस थीटा वायर के साथ परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन ऑफ ई क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है ठीक है, लेकिन मैं सिंबल लिखा हूं आप नहीं लिखोगे, अब पूरा परपेंडिकुलर लिखोगे, परपेंडिकुलर टू द, मैं क्यों लिखा हूं क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है इसीलिए, परपेंडिकुलर टू द वायर डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया पक्का लिख लो। यहां पे ये जो चीजें साइड में लिखी हुई है इसको आप पेपर के साइड में लिखना, मतलब जो स्टेप में जो यूज हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने डी से स्क्वायर थीटा यहां पर पुट किया, तो पहले साइड में इसको लिखना फिर इसको लिखना, ये एक साइड में लिखोगे ठीक है, और इस ये कहां से आया, ये आपका डी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस से, और एक्स क्या होता है आपका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपका इधर से निकला है एपी, तो ये डाला गया, इसको सिस्टमैटिकली साइड में लिखो ठीक है, फॉलो करो मैं कौन सा पार्ट पहले लिख रहा हूं उस हिसाब से लिखना, क्योंकि बोर्ड पे मैं सिस्टमैटिकली नहीं लिख रहा, आपको कॉपी में सिस्टमैटिकली लिखना है, तो फॉलो करो मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूं और कहां पे एंड कर रहा हूं, पहले यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट होने के बाद मैंने ये इक्वेशन लिखा, इक्वेशन लिखने के बाद मुझे डी का वैल्यू चाहिए था, डी का वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये वाला पार्ट लिखा, ये वाला चीज बनाया, ये वाला चीज निकालने के बाद डी का वैल्यू निकालने के बाद मैंने इधर पुट किया, इधर पुट करने के बाद मैंने यहां पे डी क्यू का वैल्यू यहां से पुट किया, फिर इधर पुट करने के बाद ये इक्वेशन आया, अब यहां पे dy का वैल्यू मैंने कहां से निकाला, यहां से dy का वैल्यू निकला, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कर लिया हाँ, इतना पार्ट लिखा dy का वैल्यू, फिर dy का वैल्यू पुट किया, पुट करने के बाद उसको कैंसिल आउट किया, फिर सॉल्व किया, फिर यहां पर क्या है, तो मैं जैसे लिख रहा हूं उसको सिस्टमैटिकली फॉलो करते हुए लिखो, मैं तो घर में कुछ समझ नहीं आया, और डेरिवेशन करें या इतना ही रहने दें आज के लिए, अरे ठीक है इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, नेक्स्ट क्लास हम और 2 डेरिवेशन करेंगे ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय।